हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इवेलुएट द फॉलोइंग व्हेन k इज इक्वल टू -2, l इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू 4। हमें k, l और m की वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू हमने इन क्वेश्चन में पुट करना है। सॉल्यूशन पुटिंग वैल्यू, तो k की वैल्यू क्या है? -2। तो हम यहाँ k की जगह -2 पुट करेंगे और इसके ऊपर स्क्वेयर, फिर ब्रैकेट 2 है, फिर l की वैल्यू 3 है तो l की जगह हम 3 लिखेंगे, फिर माइनस है, फिर 3 है और m की वैल्यू 4। इसके बाद इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो -2 स्क्वेयर हमारे पास इक्वल है +4 के, यानी -2 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस इंटू माइनस से प्लस, 2 इंटू 2 से 4, तो ये हमारे पास इक्वल है 4 के, फिर 2 इंटू 3 से 6, फिर -3 इंटू 4 से 12, इसके बाद 4, फिर 6 -12 हमारे पास इक्वल है -6 के, तो 4 इंटू -6 के प्रोडक्ट से आता है -24। तो ये हुआ इसका आंसर। अब m, k और l की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करना है। सॉल्यूशन पुटिंग वैल्यू, तो पायो, फिर m की वैल्यू 4 है तो 4, फिर k स्क्वायर है यानी -2 स्क्वायर, फिर प्लस है l स्क्वायर, तो l की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, इसके बाद पायो इंटू 4 से 20, फिर -2 स्क्वायर बराबर है 4 के, फिर प्लस 3 स्क्वायर बराबर है 9 के, यानी 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 20, 4 प्लस 9 से 13। तो ये हुआ इसका आंसर। फिर पार्ट 3, k प्लस l प्लस m, तो वैल्यू पुट करते हैं, k की वैल्यू -2, फिर प्लस l की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 4, फिर डिवाइड k की वैल्यू -2, तो -2 का स्क्वायर, फिर प्लस हो l स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस है, फिर m स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो 3 प्लस 4, इससे क्या आता है 7, तो -2 प्लस 7, फिर डिवाइड, -2 स्क्वायर बराबर है 4 के, फिर प्लस 3 स्क्वायर बराबर है 9 के और 4 स्क्वायर बराबर है 16 के, फिर -2 प्लस 7 से आता है पायो, और 4 प्लस 9 से 13, 13 प्लस 16 से 29। तो ये हुआ इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, इवेलुएट a प्लस 1 डिवाइड 4a स्क्वायर प्लस 1 व्हेन a इज इक्वल टू 1/2 एंड व्हेन a इज इक्वल टू -1/2। हमने यहाँ पे इस रेशनल एक्सप्रेशन में सबसे पहले a की वैल्यू 1/2 पुट करना है, फिर a की वैल्यू -1/2 पुट करना है। सॉल्यूशन पुट a इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ a की जगह हम 1/2 पुट करेंगे, तो 1/2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 है तो प्लस 1, फिर डिवाइड 4a स्क्वायर प्लस 1 है तो 4 और a की वैल्यू 1/2 और स्क्वायर, फिर प्लस 1। इसके बाद 1/2 प्लस 1, इसको हमने साल करना है, तो इसको हम बाई एलसीएम साल करते हैं, तो यहाँ हम 1 लगाएंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम जो है वो 2 है, फिर यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, इस 2 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये 2 आए, तो वो नंबर 1 है, तो 1 को हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आता है 1, फिर प्लस हो इस 1 को, डिनोमिनेटर वाला 1, इसको हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2 आए, तो वो नंबर 2 है, तो 2 को हम इस नोमिनेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1 से 2, फिर डिवाइड 4, फिर 1
ये स्क्वायर जो है इसको हम वन पे अलग लगाएंगे और टू पे अलग, तो वन स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास वन के बराबर है। वन को अगर हम टू टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो वन के बराबर होगा, तो वन आएगा। फिर डिवाइड ये स्क्वायर जो है ये टू पे अलग लगाएंगे, तो टू स्क्वायर फिर प्लस वन, तो वन प्लस टू से हमारे पास आता है थ्री, तो थ्री ओवर टू। फिर डिवाइड फोर है, फिर वन ओवर टू स्क्वायर हमारे पास इक्वल है फोर के, फिर प्लस वन, तो फोर और फोर ये कैंसिल होता है। क्या रहता है नोमिनेटर में, थ्री ओवर टू यहाँ पे, फिर डिवाइड वन प्लस वन, तो इससे आएगा थ्री ओवर टू, फिर यहाँ पे टू। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, थ्री ओवर टू फिर डिवाइड टू, फिर डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो थ्री ओवर टू, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे वन मौजूद है, तो डिवाइड का सिंबल जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाए तो ऑपरेशन भी इन्वर्ट होगा, वन ऊपर आएगा और टू नीचे, तो वन ओवर टू। फिर नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डी नोमिनेटर को डी नोमिनेटर के साथ, तो थ्री इंटू वन से थ्री, टू इंटू टू से फोर, तो ये हुआ इसका आंसर। अब ए की वैल्यू हम माइनस वन ओवर टू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ए की जगह माइनस वन ओवर टू, फिर प्लस वन, फिर डिवाइड फोर है और ए की जगह माइनस वन ओवर टू और इसका स्क्वायर पर प्लस वन। इसके बाद माइनस वन ओवर टू प्लस वन, इसका हम बिल्कुल वही तरीका है, एलसीएम लेंगे, तो टू ओवर वन का एलसीएम टू है। फिर टू को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास टू आए, तो वो नंबर वन है, तो वन को हम माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस वन। फिर प्लस वन को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास टू आए, तो वो नंबर टू है, तो टू को हम वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आता है टू। फिर डिवाइड फोर है, फिर माइनस वन ओवर स्क्वायर हमारे पास इक्वल है वन ओवर फोर के, यानी माइनस वन ओवर टू मल्टीप्लाई माइनस वन ओवर टू, तो माइनस इंटू माइनस से प्लस, वन मल्टीप्लाई वन से वन और टू मल्टीप्लाई टू से फोर, तो ये वन ओवर फोर के बराबर है, तो वन ओवर फोर हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर प्लस वन। इसके बाद माइनस वन प्लस टू, तो टू माइनस वन से क्या आता है वन, तो वन ओवर टू। फिर ये फोर और फोर कैंसिल, क्या रहता है वन प्लस वन, तो वन ओवर टू डिवाइड टू। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वन ओवर टू फिर डिवाइड टू, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें बिल्कुल वही तरीका है, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, वन ओवर टू हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वल है वन ओवर फोर के, तो ये हुआ इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फाइव में है, इफ ए इज इक्वल टू नाइन, बी इज इक्वल टू 12, C is equal to 15 and S is equal to A plus B plus C by 2, find S into S minus A, S minus B, S minus C square root. सबसे पहले हम S की वैल्यू find करेंगे। सॉल्यूशन गिवन क्या है, S is equal to A plus B plus C by 2, तो हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। S is equal to A की वैल्यू क्या है 9 है, प्लस B की वैल्यू 12 और C की वैल्यू 15, डिवाइड 2, तो इससे हमारे पास आता है 36, डिवाइड 2, तो 36 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 18। अब S की ये वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, पुट वैल्यू इन, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो एस की वैल्यू क्या है 18 है, तो 18 फिर एस माइनस ए है यानी 18 माइनस ए की वैल्यू क्या है 9, फिर एस माइनस बी है तो 18 माइनस 12 हो जाएगा,
फिर एस माइनस सी है तो 18 माइनस सी की वैल्यू 15 और स्क्वायर रूट, फिर 18, फिर 18 माइनस 9 से आता है 9, फिर 18 माइनस 12 से आता है 6, फिर 18 माइनस 15 से आता है 3। इसके बाद 18 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 हम करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 2916 और ये स्क्वायर रूट। इसके बाद ये स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड इस तरह है 2916। इसके बाद हम पेयर लेंगे तो यहाँ पे दो दो पेयर बनते हैं, फिर 29 जो है ये पायो पे होता है, यानी पायो को हम यहाँ पे भी लगाएंगे और पायो को यहाँ पे भी, तो पायो मल्टीप्लाई पायो से आता है 20 पायो। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 आता है, फिर 16 को यहाँ पे लाएंगे, फिर अगले स्टेप में पायो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 10, फिर यहाँ पे एक बक्स लगाएंगे और एक यहाँ पे, तो जो नंबर हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 3 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 4 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 4, तो जब हम यहाँ पे 4 लगाए तो यहाँ पे भी 4 लगाएंगे, तो फिर 104 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 मल्टीप्लाई 4, 4 इंटू 4 से 16, 1 यहाँ पे, 4 इंटू 0 से 0 और प्लस 1, 4 इंटू 1 से 4, तो 4 16 हमारे पास आता है, तो हमारा आंसर क्या है 54। इस मेथड को हमने डिटेल के साथ किया है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।